नागपुर टेस्ट में रोहित शर्मा ने शतक जड़कर वो कारनामा कर दिया है जिसे अभी तक कोई भारतीय कप्तान नहीं कर सका है। रोहित शर्मा ने अपने कैरियर का नवा टेस्ट शतक जमाया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और रोहित शर्मा ने अब इस मामले में क्रिकेट के किंग विराट कोहली और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित से पहले तिलक रत्ने, दिलशान, हॉफ डुप्लेसी और बाबर आजम ऐसा कर चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में जहां बल्लेबाज एक एक रन बनाने को तरस रहे हैं, उस पिच पर रोहित शर्मा ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। रोहित ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच के बाद 171 गेंदों पर अपना नवा टेस्ट शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये उनका पहला टेस्ट शतक है। रोहित ने 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। कप्तान के रूप में रोहित का यह पहला टेस्ट शतक है। पिछले साल ही विराट कोहली के पद छोड़ने के बाद रोहित को भारतीय टेस्ट टीम की भी कप्तानी मिली थी। इस मैच में भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को वह खुद पर खेल दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी रविंद्र जडेजा के 5 विकेटों के चलते महज 177 रन पर सिमट गई थी। टेस्ट रिपोर्ट, मुंबई महानगर।